वैक्सीनेशन के लिए जिला चिकित्सालय शिवपुर और करहाल में दो केंद्र बनाए गए हैं। कलेक्ट्रेट राकेश कुमार श्रीवास्तव और जनप्रतिनिधियों और चिकित्सकों की उपस्थिति में जिला चिकित्सालय शिवपुर केंद्र पर सिविल सर्जन डॉक्टर आर बी गोयल और सफाई कर्मी रवि बाल्मीकि को पहला कोरोना का टीका लगाया गया है। सबसे पहले हमारे हेल्थ वर्कर्स को लगेगा जी। इसके बाद हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स जो है जी, फ्रंट लाइन वर्कर्स में आंगनबाड़ी है, पुलिस है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हम सब लोग हैं, वो लगेगा। और इसमें क्लियर ये है कि पहले हमारी सबकी रजिस्ट्रेशन होता है और फिर हमको कॉल किया जाएगा। तो जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट का निर्देश होगा वैसा किया जाएगा। आज हमारे यहाँ पे यहाँ पर और कराहल दो जगह हैं, 100-100 लोग हैं टोटल। हमारे यहाँ 800 लोग लगे, 400-400 दोनों जगह हैं। यहाँ पे हमारे सिविल सर्जन साहब और CMA जो साहब की शुरुआत होगी, उनसे शुरुआत होगी और हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं उनसे चलता रहे। थैंक यू सर। एक तरह की भ्रांति या कुछ आशंकाएं होती हैं, इसीलिए हमने ये जो है इसका, चूंकि ये वैक्सीन पूरी तरह साइंटिफिक है, सब तरह की स्टडीज होने के बाद में इसको इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। अतः इसका हम लोगों ने एक एग्जांपल सेट करने के लिए लोगों में मैसेज जाए कि नहीं, इस वैक्सीन से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। मैंने ये टीका लगवाया, टीका लगवाने में मुझे किसी प्रकार की कोई असुविधा, कोई दर्द कुछ नहीं हुआ। टीका लगाने के पश्चात मैं पूरी तरीके से स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बल्कि देखा जाए तो मुझे एक मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त हुआ है इस कोरोना के ऊपर कि अब मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ कोरोना से। और मैं सभी लोगों को ये संदेश भी देना चाहूँगा कि इस टीकाकरण को बिल्कुल निर्भीक होकर लगवाएं, इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। बल्कि हम ये कोरोना इस टीकाकरण के माध्यम से कोरोना फैलने की जो चेन है, जो ट्रांसमिशन है, उसको ब्रेक कर पाएंगे।